चुनाव के मौसम में बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है और ये मास्टर स्ट्रोक सीधे सीधे अखिलेश यादव के लिए मुश्किल भरा साबित हो सकता है। भोजपुरी गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को बीजेपी ने टिकट दिया है और वो सीट है आजमगढ़। बस बहुत खुशी हो रही है, बात तो बहुत दिनों से चल रही थी कि लड़ना है, टिकट मिल रहा है। आज पहली बार पता चला कि हाँ कन्फर्म हो गया आजमगढ़ से, तो हम लोग बहुत खुश हैं और बस अब मिलते हैं सीधे मैदान में। तैयारी हो गई अपने बारे में? तैयारी क्या होगी? तैयारी तो पूरी हमारी जो पार्टी है वो पूरी तैयारी करके बैठी है, हम लोगों को बस चल के मिलना है लोगों से, अपनी बात रखनी है। वही आजमगढ़ जहां से अब तक समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव सांसद हैं और इस चुनाव में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अखिलेश के खिलाफ आजमगढ़ से भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ताल ठोकेंगे। बीजेपी ने जो अपनी 16वीं लिस्ट जारी की है उसमें दिनेश लाल यादव के अलावा कुछ और भी नाम शामिल है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से मनोज कोटक, फिरोजाबाद से चंद्रसेन यादव, मैनपुरी से प्रेम सिंह शाक्या, रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह, मछली शहर से बीपी सरोज। खैर, इस बार के लोकसभा चुनाव में कलाकारों का दबदबा देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक राजनीतिक दलों ने कई कलाकारों को पार्टी में शामिल करने के बाद मैदान में भी उतारे हैं। जयाप्रदा के बाद भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन थामा था और आज आजमगढ़ से टिकट भी मिल गया। दिनेश लाल उर्फ निरहुआ के भाजपा ज्वाइन करते ही आजमगढ़ सीट से टिकट मिल जाने से बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी फिल्म स्टार्स के सहारे कई सीट सुरक्षित कर लेना चाहती है। लेकिन अगर यही जीत का पैमाना है तो आखिर बड़ा सवाल यह है कि इतने सालों से काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ इंसाफ कैसे होगा। अब से कुछ दिन पहले ही लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरहुआ को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। अपने गाने और अभिनय की बदौलत निरहुआ बढ़ते गए और अब अभिनेता से नेता बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।